अगर वाई और जेड ये हमारे पास एक्स की दो सब स्पेसेस हैं और एक्स जो है वो हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है ऑफ एनी डायमेंशन, सपोज डैट कि वाई जो है वो क्लोज है और प्रॉपर सबसेट है जेड का, देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0,1 देयर इज एन एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू सब स्पेस जेड सच डैट नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, और अगर हम जेड माइनस वाई की नॉर्म निकालें तो वो ग्रेटर दैन इक्वल टू थीटा है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सब स्पेस वाई। ये हमारे पास कोई भी स्पेस एक्स है और एक्स की फर्दर हमारे पास दो सब स्पेसिस हैं, एक जेड है और एक वाई है। वाई जो है वो जेड की एक सब स्पेस है या प्रॉपर सबसेट है, वाई जो है वो जेड का एक प्रॉपर सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि जेड माइनस वाई जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। लेमा ये कहता है कि हमें जेड के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी नॉर्म 1 है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी नॉर्म 1 है तो फिर जेड का वाई के तमाम एलिमेंट से डिफरेंस और उसकी जो नॉर्म है जी माइनस वाई की नॉर्म फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सब स्पेस वाई ये ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा है। थीटा क्या है? थीटा हमारे पास लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। वी कंसीडर एनी वी बिलोंग्स टू जी माइनस वाई, ऑब्वियसली ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो जेड में है लेकिन वाई में नहीं है। एंड डिनोट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेट वाई, यानी वी का हम सब स्पेस वाई से डिस्टेंस निकालेंगे और उसे हमने कह दिया है ए। ए इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ वी माइनस वाई, यानी अगर ये हमारे पास एलिमेंट वी है तो वी का आप इस एलिमेंट से भी डिस्टेंस लें, इस एलिमेंट से भी डिस्टेंस निकालें, इस एलिमेंट से भी डिस्टेंस निकालें और जो सबसे मिनिमम है वो वी का सेट वाई से डिस्टेंस है, यानी वाई के हर एलिमेंट डिस्टेंस से मुराद ये है कि नॉर्म आप लें। ऑब्वियसली नॉर्म की मदद से हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन बनेगा वी माइनस वाई और वाई बिलोंग्स टू सॉरी वाई बिलोंग्स टू सब स्पेस वाई। तो ये हमारे पास एलिमेंट वी का सब स्पेस वाई से डिस्टेंस है और क्लियरली ये ग्रेटर देन 0 है। उसकी वजह ये है कि जो वी है वो जेड में है लेकिन वाई में नहीं है। तो जब भी हम वी का वाई के तमाम एलिमेंट से डिस्टेंस लेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर तो वी वाई का ही एक एलिमेंट होता और मैं वी का वी से डिफरेंस निकालता तो वो हमारे पास 0 था और इस सेट में जो इन्फिमम आता वो भी 0 ही आता। तो यहाँ पर ऐसा केस नहीं है क्योंकि वी जो है वो वाई का एक एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास ये जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी नॉर्म 1 है और अगर हम उस जेड माइनस वाई की नॉर्म निकालें तो वो ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा है। वी नाउ टेक एनी थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ एन इन्फिमम। अगर हम इन्फिमम की डेफिनेशन देखें, अगर ए जो है या फॉर एग्जांपल अल्फा जो है वो इन्फिमम है ऑफ दिस सेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है वो लेस आर इक्वल है एक्स आई फॉर ऑल आई, यानी अल्फा जो है वो सेट के तमाम एलिमेंट्स से या तो छोटा है या किसी एक के बराबर है। ये हमारे पास डेफिनेशन है, असल में तो ये डेफिनेशन है लोअर हमारे पास जो लोअर बाउंड है उसकी। तो इन्फिमम की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो तमाम एलिमेंट से छोटा होगा या ये कह लें कि लेस आर इक्वल है फॉर एक्स आई फॉर ऑल आई। तो यहाँ से अगर हम कोई हमें एक वाई नॉट मिल जाएगा सच डैट के ए जो है वो लेस आर इक्वल है
नॉर्म ऑफ वी माइनस वाई नॉट से। हमने वाई नॉट एक फिक्स एलिमेंट लिया है कि जिसके लिए ये पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो कि ये नॉर्म लेसर इक्वल है ए बाई थीटा और ग्रेटर देन है ग्रेटर आर इक्वल है ए से। तो हमें एक ऐसा वाई नॉट मिल जाएगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। और ऑब्वियसली ए बाई थीटा जो है वो ग्रेटर देन ए है, क्योंकि अगर मैं थीटा को 1/2 चूज करूँ तो ये बन जाएगा 2a जो कि ग्रेटर देन a है, a डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये हमारे पास 2a जो कि ग्रेटर देन a है। लेट z इज इक्वल टू c इंटू वी माइनस वाई नॉट। हमने एक फिक्स्ड y नॉट के लिए ये इनइक्वालिटी राइट की है। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक से ज़्यादा मिले, हमने चूज़ किया है वाई नॉट सच डैट और थीटा को कि ये इन इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। जेड इज इक्वल टू सी इंटू वी माइनस वाई नॉट। सी जो है वो एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और सी बराबर है 1/ नॉर्म ऑफ वी माइनस वाई नॉट। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि जेड की नॉर्म 1 है। तो क्लियरली जेड की नॉर्म जो है वो 1 है। अब हम शो करेंगे कि नॉर्म ऑफ जी माइनस वाई जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा है फॉर ऑल वाई। z माइनस वाई को कंसीडर करें, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, c को कॉमन लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/c। अब y नॉट y का एक एलिमेंट है, ये फील्ड का एक एलिमेंट है और y जो है ये भी y का एक एलिमेंट है और y सब स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्बिनेशन अगेन सब स्पेस का सेट का एक एलिमेंट है क्योंकि y सब स्पेस है। तो c इंटू नॉर्म ऑफ v माइनस वाई वन। अब ऑब्वियसली जो v माइनस वाई वन है, अभी हमने कहा कि अगर a इन्फिमम है तो इन्फिमम ऑफ दिस सेट v माइनस वाई वन वी माइनस वाई नॉट वी माइनस वाई टू वी माइनस वाई थ्री एंड सो ऑन। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो a से या तो बड़े हैं या a के बराबर हैं। तो ये y1 जो है वो अगेन y का ही एक एलिमेंट था, तो उस केस में भी ये जो नॉर्म है वो ग्रेटर आर इक्वल टू a है। तो दिस नॉर्म इज ग्रेटर आर इक्वल टू c डॉट a और c की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बनेगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें क्योंकि नॉर्म ऑफ वी माइनस वाई नॉट लेसर इक्वल है ए बाई थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल है थीटा बाई ए। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा नॉर्म ऑफ जी माइनस वाई जो है वो ग्रेटर आर इक्वल है थीटा से। सिंस वाई आर्बिट्रेरी है दिस कम्प्लीट द प्रूफ। और एल इन्फिनिटी में अगर हम थीटा को 1 लें तो फिर हमारे पास, अगर हम क्लोज सब स्पेस में थीटा को 1 लें तो ये रिजल्ट जो है वो होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट हम इसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर हमारे पास एक नॉर्म स्पेस एक्स है और उसके अंदर अगर कोई क्लोज्ड यूनिट बॉल जो है वो अगर कॉम्पैक्ट है तो फिर उस एक्स की डायमेंशन फाइनाइट है। यानी कि एक सेट एक सब एक हमारे पास स्पेस एक्स थी, उसमें हमने एक क्लोज्ड यूनिट बॉल कंसीडर की। अगर वो जो यूनिट बॉल है वो कॉम्पैक्ट हो तो उस केस में एक्स की डायमेंशन फाइनाइट होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि एम कॉम्पैक्ट है लेकिन x जो है उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है। लेट x1 हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया स्पेस x में से जिसकी नॉर्म 1 है। तो इस x1 की मदद से हम एक स्पेस जनरेट कर सकते हैं कैपिटल x1, यानी जैसे रियल लाइन है, रियल लाइन को हम एक एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। 1 के मल्टीपल्स लें तो रियल लाइन बन जाएगी, वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पर भी हमने एक एलिमेंट लिया x1, उसके मल्टीपल्स लिए तो हमने एक कैपिटल x1 स्पेस जनरेट कर दी। ये स्पेस क्लोज है क्योंकि इसकी डायमेंशन 1 है, एक एलिमेंट से जनरेट हुई है तो ये स्पेस जो है वो क्लोज है।
अब रीज लेमा की मदद से हमें ये एक्स है और ये एक्स वन है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा एक्स टू जिसकी नॉर्म वन होगी, और एक्स टू माइनस एक्स वन की जो नॉर्म है वो ग्रेटर और इक्वल टू थीटा है। एक बात याद रहे कि हमने कंट्राडिक्शन लेकर आनी है, हमने सपोज किया है कि m कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब यह है कि m के अंदर आप सी कोई भी सीक्वेंस लें तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल अगर ये m है, सेट m है, हमने एक एलिमेंट लिया है x1, x1 की नॉर्म 1 है, तो इसका मतलब यह है कि x1 इसकी बाउंड्री पर लाई करता है, x1 जो पॉइंट है वो इस सेट की क्लोज्ड बॉल की बाउंड्री पर है। तो हमने अब एक और x2 लिया, उसकी नॉर्म भी वन है, तो ऑब्वियसली वो भी यहाँ कहीं लाई करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो x2 है वो x, ज़रूरी है कि ये जो x2 है वो x1 में नहीं है। यही रीज लेमा था कि अगर हमारे पास ये स्पेस है x, ये कोई क्लोज स्पेस है x1, तो हम यहाँ से एक एलिमेंट पिक करेंगे जिसकी नॉर्म वन हो लेकिन वो एक्स वन में ना हो। इसे मिक्स नहीं करना, एक्स वन और स्पेस है, एम जो है वो एक और सेट है, स्पेस एक्स जो है वो इन सबको कंटेन कर रही है, वो हमारे पास जो ग्राउंड सेट है वो एक्स है। तो हमने एक और एक्स टू पिक कर लिया सच डैट कि एक्स टू माइनस एक्स वन की नॉर्म ग्रेटर देन थीटा है, हमने थीटा को वन बाय टू कंसिडर किया है। अब x1 और x2 की मदद से हम एक स्पेस जनरेट करेंगे, x1 और x2 की मदद से एक स्पेस जनरेट करेंगे, और वो भी क्लोज है क्योंकि उसकी डायमेंशन फाइनाइट है। इस केस में हमें अगेन एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, हो सकता है कि ये x1 हो और यहाँ एलिमेंट है x1, हमें एक और स्पेस मिल जाए ये x2, यहाँ x1 था और यहाँ कहीं x2 है, और हम यहाँ से x3 पिक कर लेंगे जिसकी नॉर्म 1 होगी। अब ऑब्वियसली इन x1, x2, x3 की नॉर्म 1 है, तो फिर ये हमारे पास जो सेट है m उसकी बाउंड्री पर लाई करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक क्लोज यूनिट बॉल है, नॉर्म जो है वो लेस आर इक्वल टू 1 है, तो हमें एक x3 मिल जाएगा जिसकी नॉर्म 1 होगी सच डैट कि x3 का x3 माइनस, यानी इस स्पेस, इस जो ये जो हमारे पास सब स्पेस है इसके तमाम पॉइंट्स का डिफरेंस लें x3 माइनस x, और ये जो नॉर्म है ये ग्रेटर और इक्वल टू थीटा है बाय रीज लेमा, सच डैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x2 वी हैव नॉर्म ऑफ x3 माइनस x ग्रेटर और इक्वल टू 1 बाय 2, और इन पर्टिकुलर हम x3 माइनस x1 क्योंकि x1 अगेन x2 में है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि x1 की मदद से तो हमने x2 को जनरेट किया है, तो फिर x1 के लिए ज़रूरी है कि वह x2 में हो, x2 जो है वो भी x2 में ही है, तो इस केस में भी ये हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बाई 2 है। और इसी को हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा प्रोसीडिंग बाय इंडक्शन वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस एक्स एन, और ओबियसली एक्स एन जो है वो एम में है क्योंकि एक्स एन की नॉर्म वन है, हम हर दफ़ा वो एलिमेंट पिक करेंगे जिसकी नॉर्म वन हो, लेकिन एक्स एम माइनस एक्स एन वो ग्रेटर आर इक्वल टू वन बाई टू है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है। जब ये अनबाउंडेड है तो इसके पास कोई भी कन्वर्जन सब सीक्वेंस नहीं होगा, या आप ये कह लें कि इसके पास कोई भी कॉशी सब सीक्वेंस नहीं होगा, या इट सेल्फ भी कॉशी नहीं है, ये सीक्वेंस इट सेल्फ भी कॉशी सीक्वेंस नहीं है, इसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इसके पास कोई भी कॉशी सब सीक्वेंस भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि एम कॉम्पैक्ट नहीं है, कंट्राडिक्शन आ गई ना, हमने कहा था एम कॉम्पैक्ट है, अगर एम कॉम्पैक्ट है तो एम के पास अगर हम कोई भी सीक्वेंस लें तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए, हमने एक सीक्वेंस लिया है एम में, सीक्वेंस एम में इसलिए है क्योंकि हर एलिमेंट की नॉर्म वन है, एम में एक सीक्वेंस लिया उसके पास कोई कन्वर्जन सब सीक्वेंस नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन है टू द फैक्ट डैट एम इज़ कॉम्पैक्ट, और हमने अज्यूम ये किया था, या हम ये कह सकते हैं कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट डैट के एक्स की डायमेंशन इनफाइनाइट है, हैंस आवर अजम्पशन डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ फॉल्स, सो डायमेंशन ऑफ एक्स इज़ फाइनाइट।
और इन केस ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लोज यूनिट बॉल जो है वो कॉम्पैक्ट हो। C01 कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हमने ये स्पेस कंसीडर की है, ये यूनिट बॉल कंसीडर करें और ये सीक्वेंस लें। तो ये सीक्वेंस जो है वो इस फंक्शन को पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करता है पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये हमें रियल एनालिसिस में इसकी एग्जांपल और सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमने एक सीक्वेंस लिया है जो कि, और ये सीक्वेंस इसी बॉल में से लिया है क्योंकि इसकी नॉर्म जो है वो 1 है, तो ये इस बॉल का एक एलिमेंट है। तो यहाँ ये इसको कन्वर्ज करता है पॉइंट वाइज, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता। तो इसके पास कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस नहीं होगा जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के केस में हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल गई कि एक क्लोज्ड यूनिट बॉल जो है उसमें कॉम्पैक्ट नहीं है। और थ्योरम में भी हमने यही कहा है कि अगर बॉल कॉम्पैक्ट होगी तो फिर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई भी सेट कॉम्पैक्ट है और कॉन्टीन्यूस फंक्शन को उस पर अप्लाई करें तो उसकी जो इमेज है वो भी कॉम्पैक्ट है। लेट एक्स बी अ मैट एक्स एंड वाई बी मैट्रिक्स स्पेसिस, टी फंक्शन है एक्स से वाई तक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, देन द इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ एक्स अंडर टी इज कॉम्पैक्ट। यानी टी ऑफ एम जो कि सबसेट है वाई का, ये भी कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमें यहाँ से एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा और प्रूव ये करना पड़ेगा कि इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। टेक वाई एन जो कि इमेज ऑफ एम के अंदर एक सीक्वेंस है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, अगर मैं यहाँ से वाई एन पिक करूँगा, सॉरी यहाँ से एक्स एन पिक करूँगा, टी को उस पर अप्लाई करूँगा, तो यहाँ मुझे कोई वाई एन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वाई एन इमेज का एक एलिमेंट है तो फिर हमें कोई ना कोई एक्स एन मिल जाएगा। टी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन फॉर सम एक्स एन बिलोंग्स टू सेट एम। अब क्योंकि एम जो है वो कॉम्पैक्ट है, तो अगर कॉम्पैक्ट है तो इस सीक्वेंस के पास, ये सीक्वेंस एम में है, इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। देखें अब जो एक्स एन के है वो कन्वर्ज करता है बिलफर्ज अल्फा को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, एम कॉम्पैक्ट है, उस वजह से। द इमेज ऑफ एक्स एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ वाई एन। जब मैं टी को अप्लाई करूँगा एक्स एन के पर तो ये एलिमेंट होगा एम का, टी ऑफ एम का, इमेज ऑफ एम का। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इस इमेज के अंदर एक सब सीक्वेंस है वाई एन का, विच कन्वर्जिज इन इमेज ऑफ एम, और ये कन्वर्ज करेगा एम की इमेज में। वो क्यों करेगा? क्योंकि टी कॉन्टीन्यूस है, टी जो है वो कॉन्टीन्यूस है। अगर टी हमारे पास कोई फंक्शन हो कॉन्टीन्यूस हो तो टी एक्स नॉट पर कॉन्टीन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ। अब क्योंकि टी हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब यह है कि टी के लिए ज़रूरी है कि वो अल्फ़ा पर भी कॉन्टीन्यूस हो, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो इट सेल्फ एम का एक एलिमेंट है, एम कॉम्पैक्ट है। इफ एंड ओनली इफ एक्स एन कन्वर्ज, एक्स एन कन्वर्जिज टू एक्स नॉट इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स एन कन्वर्जिज टू टी ऑफ एक्स नॉट। अगर एक्स एन के कन्वर्ज करता है अल्फा को और टी जो है वो कॉन्टीन्यूस है तो फिर टी एक्स एन के ये कन्वर्ज करेगा टी ऑफ अल्फा को, और यही बात हमने की है बिकॉज टी इज कॉन्टीन्यूस। तो हमें वाई एन का एक सब सीक्वेंस मिल गया जो के उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें वाई एन का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गया है, हेंस इमेज ऑफ एम इज कॉम्पैक्ट।